एक्टिवा रियल व्हील बेयरिंग चेंज कैसे करते हैं इस वीडियो में फटाफट से आपको बता रहा हूँ। इसका डग नहीं है, ये एकदम ठीक है, लेकिन फिर भी इसको खोल के चेक कर लेंगे, बेल्ट बेल्ट सब चेक कर लेंगे, तो इसका जो पिछले व्हील का बेयरिंग है उसमें डाउट है क्योंकि ये हिल रहा है। तो इसको खोलेंगे, ये आप देख सकते हैं इस तरह से ही दाएं बाएं हिल रहा है, तो इसको खोलेंगे फटाफट से और आपको फटाफट वीडियो में बताऊंगा इसे कैसे चेंज करते हैं। 6004 नंबर की इसके अंदर बेयरिंग लगती है, वो बेयरिंग उसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा लोड आता है क्योंकि जो पिछला पहिया है वो उसके ऊपर ही लगा हुआ होता है, तो उसके कारण वो जल्दी से ख़राब हो जाती है। तो कैसे चेंज करते हैं फटाफट बता दूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मैंने पिछला टायर खोल दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस शाफ्टिंग को हिलाने पे ये पूरा इस तरह से कॉलर ऊपर नीचे हो रहा है, आप देख सकते हैं, मतलब इसका पूरा बेयरिंग गया है, ऑयल भी इसका इस साइड आ रहा है, ये हिलाने पे आपको दिख रहा होगा। ये 1 2 3 4 5 6 और ये सारा, ये सब 10 नंबर के जो बोल्ट हैं इसको खोल देंगे, फिर इस तरह से इसे रबर की हैमर से ठोकेंगे तो ये निकल जाएगा। ऑयल इसका अच्छा है तो रख लेंगे, वापस यही डाल देंगे, अगर ऑयल ख़राब है तो इसको भी चेंज कर देंगे। एकदम आराम से इसे निकालेंगे ताकि इसका जो पैकिंग है वो फटे ना, और अगर फट जाए तो दूसरा डाल देंगे, अच्छा है तो फिर इसे ही काम में ले लेंगे वापस से। ये इसका गियर बॉक्स बाहर आ गया है, पैकिंग भी इसका सही है, तो इसी पैकिंग को फिर से यूज़ कर लेंगे। इसको ऐसे रख देते हैं ताकि इसका जो ऑयल है वो सब निकल जाए। फटाफट से आपको दूसरी साइड दिखा देता हूँ, यहाँ पे 3 बेयरिंग लगा हुआ है, उसको भी चेक कर लेंगे, इस शाफ्टिंग को भी हिला के चेक कर लेंगे, घुमा के भी चेक कर लेंगे, जाम नहीं होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, ये बेयरिंग भी हिलने नहीं चाहिए, चेक कर लेंगे, ठीक है तो बराबर है, नहीं तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ये अपना पैकिंग है, ये फटे ना इस तरह से इसे ध्यान से उल्टा करके इसका डोयल निकाल देंगे, बाद में इस तरह से रखेंगे और इस बेयरिंग को यहाँ से ठोक के इस पाइप की मदद से बाहर निकाल देंगे। तो फटाफट मैं आपको बेयरिंग निकाल के दिखा देता हूँ। मेरे एक और यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर मैं ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के बारे में आपको जानकारी दूंगा, तो मैंने अभी अभी नया चालू किया है, तो उसमें भी आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। उस वीडियो का लिंक भी मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये जो है बेयरिंग, ये फेक कंपनी का बेयरिंग है और इसका जो पार्ट नंबर है मैं आपको दिखा देता हूं। ये फेक कंपनी लिखा हुआ है यहाँ पे और इसका जो पार्ट नंबर है वो 6004 नंबर है, 6004 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक से ना दिखाई दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 6004 है। तो मैं दूसरा बेयरिंग ला देता हूं और इसे कैसे लगाते हैं वो मैं आपको फटाफट बता देता हूं। और इसका जो आप कंडीशन देखो, इसके अंदर जो पूरे छर्रे हैं वो, ये कॉलर जो उसका आता है अंदर का छर्रे का, वो भी टूट गया है, अंदर देख सकते हैं छर्रे भी दाएं बाएं हो रहे हैं, ये बेयरिंग पूरा गया है खलास। तो इसके लिए इसका जो पहिया था वो हिल रहा था, और दूसरा एक दिक्कत था, जब भी गाड़ी को आप रनिंग में एक्सीलेटर छोड़ देते थे तो गाड़ी रुक रुक के अपने आप झटके लेके रुक रही थी, जिसका कारण था उसका जो पहिया था वो बेयरिंग के ऊपर उसका लोड आना चाहिए, लेकिन बेयरिंग तो टूट गया था, उसका लोड था वो लाइनर के ऊपर आ रहा था, ब्रेक लाइनर के ऊपर, तो इससे गाड़ी में दूसरा भी नुकसान हो सकता है, इसके लिए हम बेयरिंग को चेंज करना ज़रूरी है। ये नया बेयरिंग मैंने ला दिया है, ये आप इस तरह से चेक कर लेंगे। अगर आपने कभी किसी बेयरिंग को खोला और उसका नंबर नहीं दिख रहा तो फिर इस तरह से बेयरिंग के ऊपर बेयरिंग रख के चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेयरिंग आप नंबर अलग होगा और ठोक के बिठा देंगे तो फिर हमारा कवर टूट जाएगा। तो ये बेयरिंग है 6004, इसके अंदर इस तरह से पैर के ऊपर रखा है और धीरे धीरे ठोक के इसे बिठा देंगे, डायरेक्ट सरफेस पे ऊपर नहीं रखेंगे क्योंकि डैमेज हो सकता है अपना गियरबॉक्स का जो कवर है वो। इस तरह से इसे बिठा देंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और मेरा दूसरा जो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करें, उसके अंदर भी मैं अब रेगुलर वीडियो डालता रहूँगा।
ये बेरिंग अपना बैठ गया है। इसके ऊपर ये ऑयल सील लगा देंगे, क्योंकि जो गियर बॉक्स का ऑयल होता है वो बाहर ना निकले, इसके लिए ऑयल सील दिया है। अब यहाँ पे इतना ही इसको अंदर जाने देने का है, इसकी सरफेस से एकदम सट के रखने का, ज़्यादा अंदर तक नहीं धकेल देने का, नहीं तो बाद में ऑयल लीक करेगा। तो ये अपना गियर बॉक्स का जो पल्ला है वो रेडी हो गया है। यहाँ पे हम पैकिंग ट्यूब लगा देंगे, इस तरह से थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। अभी वीडियो ठीक से शूट नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं एक हाथ से ट्यूब लगा रहा हूँ और एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, तो इसलिए अगर आपको वीडियो कोई दिक्कत लगे तो चला लेना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होता है, लेकिन फिर भी हम बनाते हैं। आप सोचते होंगे कि रेगुलर वीडियो क्यों नहीं आते, लेकिन वीडियो बनाने के लिए दूसरा कोई बंदा भी साथ में चाहिए, जो मोबाइल का जो वीडियो रिकॉर्डिंग का काम है वो भी कर सके। अगर हम पूरे दिन काम करेंगे और साथ में वीडियो बनाते रहेंगे तो कस्टमर हैंडल नहीं कर पाते, इसके कारण रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहे। लेकिन मैं कोशिश करूँगा फिर से जल्द जितने हो सके उतने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसे हम यहाँ पे ट्यूब लगा के इस तरह से बिठा देंगे, और इसका आगे का जो वीडियो है फिटिंग का, वो तो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मेरा ये कस्टमर था, उसको काफ़ी जल्दी थी गाड़ी देने के लिए। लेकिन फिटिंग का तो कुछ नहीं है, बस इसके अंदर बिठाने के बाद 10 नंबर के जो 7 बोल्ट थे वो आमने सामने क्रॉस में टाइट कर देंगे, जिससे गियर बक्सा फिट हो जाएगा। उसके बाद उसके अंदर